Welcome back to my Chicago Vlogs again. In this video, we are going to Harold Washington Library in Chicago. So this is one of the biggest libraries in Chicago, and it's part of the public library system. So this is all a free library. इसकी छत देखें, शिकागो के आर्किटेक्चर में अभी तक हर जगह ये इस तरह की छत स्क्वायर्स वाली जो है वो नज़र आने लग गई है. फील्ड म्यूजियम पे भी थी, कल्चरल सेंटर पे भी थी. अच्छा, कल्चरल सेंटर जो है वो पहला सेंटर था जहाँ पे शिकागो पब्लिक लाइब्रेरी थी, और उसके बाद ये लाइब्रेरी हैरल्ड वाशिंगटन में शिफ्ट कर दी. और इस लाइब्रेरी के 10 फ्लोर्स थे, 9 ओपन टू पब्लिक हैं और 10वां नहीं है. बीच में एक तालाब भी है. इतनी प्यारी लाइब्रेरी थी, इतनी प्यारी. जगह जगह लाइक बीच में आर्ट डिस्प्ले था, कोट्स थी, और जैसे लाइट फिक्स्चर्स लगे हुए थे. और डिफरेंट लाइब्रेरी के डिफरेंट सेक्शन से, मैं तो एक दिन ही यहाँ पे गई थी. आई विजिटेड अदर लाइब्रेरीज इन शिकागो, एन अदर लाइब्रेरी जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गई थी. लेकिन इस लाइब्रेरी में आई जस्ट वेंट फॉर अ विजिट. आई हर्ड कि लोग यहाँ भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन आई डिड नॉट गो देयर. लेकिन मैं वैसे ही विजिट करने गई, और इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी थी, इतने अच्छे फ्लोर्स, लाइट फिक्स्चर्स, और सेपरेट रूम्स बने हुए हैं डिफरेंट तरह के, और पब्लिक एरियाज़ भी हैं बैठने के लिए, लाइक रीडिंग एरियाज़ एंड ऑल. मैंने पूरी लाइब्रेरी इस तरह से एक्सप्लोर नहीं की कि मैं कहाँ बैठ के पढ़ सकती हूँ या इस तरह, क्योंकि आई वॉज नॉट देयर टू स्टडी. मैं वहाँ पढ़ने के लिए नहीं गई थी, सिर्फ लाइब्रेरी देखने गई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी. और यकीन माने कि वाकई इससे ज़्यादा खूबसूरत लाइब्रेरी अभी तक मैंने नहीं देखी. तो ये आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है, इसके 9 फ्लोर थे. मैंने सारे फ्लोर एक्सप्लोर किए और बुक्स भी देखी, और डिफरेंट कमरे भी थे. बहुत ज़्यादा चीज़ों की तो आपको इतनी जल्दी से समझ आती भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन बहुत प्यारा आर्किटेक्चर था. और एलिवेटर से ऊपर जा रही है, जो शैंडलियर लाइट फिक्सचर नज़र आ रहा है, इट्स आई थिंक कॉल्ड अबव एंड बियॉन्ड. और ये वियतनामीज वॉर के अंदर जो डेथ्स हुई थी, उन सोल्जर्स के टैग्स को रेप्लिकेट करके तो ये बनाया. पर ये इतना प्यारा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये टैग्स हैं. बहुत ग्लिटरी, बहुत प्यारा. कैमरा में तो इतना पता ही नहीं चल रहा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लाइट फिक्स्चर था. तो और मुझे अच्छे लाइट फिक्स्चर्स और अच्छे आर्किटेक्चर देखने का बहुत शौक है, तो इसलिए ये इस शैंडलियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अबव एंड बियॉन्ड. I will put a link to it in the description below if you guys are interested. So, dog tags actually tags होते हैं जो soldiers अपने साथ carry करते हैं. इस तरह के tags होते हैं. तो in case they are dead, तो वो identify हो जाएं. तो ये उनको replicate करके तो उसका बनाया हुआ है light fixture. तो इसकी सारी history यहाँ पर displayed थी. अच्छा, ये सारी है जो display section है बुक्स का. 9 फ्लोर्स थे, और 9 फ्लोर्स में इतनी ही बुक्स पे बुक्स भरी हुई थी. इन शेल्फ्स के बीच में देखें, छुपन छुपाई खेल सकता है बंदा. मुझे ये ख्याल आ रहा था वहाँ से गुजरते हुए, लेकिन इतनी बुक्स थी, आई वाज सो एक्साइटेड. और डिफरेंट सेक्शंस थे, जैसे सोशियोलॉजी की बुक्स एक फ्लोर पे हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस की बुक एक फ्लोर पे हैं. अच्छा, ये सबसे अच्छा पार्ट था इस लाइब्रेरी का, इट्स कॉल्ड द विंटर गार्डन. अच्छा, शिकागो के अंदर जो भी अच्छी जगह मुझे मिल रही है, उसके अंदर इंडोर गार्डन का रोल ज़रूर है. तो ये एक इंडोर गार्डन टाइप चीज़ थी जो लाइब्रेरी के 9th फ्लोर के ऊपर था, और ये इतना खूबसूरत था. यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ भी रहे थे, और मतलब बहुत प्यारा अंदर से. और इंडोर प्लांट्स लगे हुए थे, देयर आर पीपल स्टडिंग हियर. बहुत प्यारा माहौल था, बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर भी, लाइट भी अच्छी थी. तो ये 9th फ्लोर पे था, जो कि टॉप फ्लोर है जहाँ तक जनरल पब्लिक जा सकती है. 10th फ्लोर के ऊपर ऑफिसेज हैं, वहाँ जनरल पब्लिक नहीं जा सकती. तो 9th फ्लोर तक चढ़ते चढ़ते और हर पूरी लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते करते मेरी तो टांगें टूटने वाली हो गई थी. तो खैर, हालांकि एलिवेटर्स थे, एलिवेटर्स में ही जा रहे थे. बहुत खूबसूरत था सारा कुछ, वेरी ब्यूटिफुल. और यहाँ से खिड़की से बाहर देखें तो आपको ट्रेन स्टेशन नज़र आता था, आई थिंक ब्लू लाइन ट्रेन स्टेशन. इस लाइब्रेरी की प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इजीली हर डोर से एक्सेस हो रही थी. तो
ये सारा विंटर गार्डन था. इट वाज लाइक द बेस्ट प्लेस इन द एंटायर लाइब्रेरी. देखें कितना खूबसूरत व्यू है. अच्छा, ये एक और फीचर था इस लाइब्रेरी के अंदर कि ये भी 9th फ्लोर के ऊपर गार्डन के बिल्कुल साथ था. तो अंदर जाके पूरी शिकागो हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था. लाइक डिस्प्लेस द डिफरेंट, और दे वर डिस्प्लेस अबाउट शिकागो हिस्ट्री, दे वर डिस्प्लेस अबाउट डिफरेंट थिंग्स. तो मेनली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ शिकागो. तो वो सही. आई फाउंड अराउंड दैट. तो और यहाँ पे स्पेशल कलेक्शंस और आर्काइव्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं. ये एग्जिबिशन हॉल है बेसिकली. सो आई वॉक्ड अराउंड दैट एंड फिल्म्ड हियर लिटिल बिट. डिफरेंट कोट्स डिस्प्ले किए हुए थे अबाउट शिकागोज हिस्ट्री. अच्छा था ये एग्जिबिशन हॉल भी, लेकिन विंटर गार्डन वॉज माई फेवरेट प्लेस. और ओवरऑल पूरी लाइब्रेरी का डिकोर और हर चीज़ भी बहुत अच्छी हुई थी. सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस ब्लॉग. देर आर मोर ब्लॉग्स कमिंग. प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.